नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। बात करेंगे 6800 की लिस्ट को लेकर के रंजीत यादव जी के जो अपडेट मिले हैं उस पर। इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बेसिक शिक्षा कार्यालय में कार भार ग्रहण करने के मुद्दों पर कल की मीटिंग में फैसला होगा। इसके अलावा सभी लोग मिलकर के बधाई भी दे रहे हैं और अपने उन समस्याओं को उन तक पहुँचा रहे हैं जो समस्या अभी तक नए बेसिक शिक्षा मंत्री बनने से पहले श्री सतीश द्विवेदी जी के पास था, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री थे। अब नए शिक्षा मंत्री जी से सभी समस्याओं को निराकार करने जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती 6800 लिस्ट को नियुक्ति पत्र है। इसके अलावा 68500 के जो कुछ पेंडिंग फैसले हैं सभी मुद्दों को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा विपक्षी यानी नेता प्रतिपक्ष से भी मिल रहे अभ्यर्थी अपनी मांग को विधानसभा तक उठाने के लिए। तो आपको बता दें कि नई शिक्षक भर्ती और इसके अलावा जीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की जो विज्ञापन जारी करने को लेकर के लगातार अब छात्र फिर से अपनी मांग को सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म और नेता प्रतिपक्ष तथा नेता पक्ष के मंत्री जी से और अधिकारियों से मिलकर के अपनी बात को उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर मुझे बेसिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप सभी के आशीर्वाद से विधानसभा मुख्य भवन लखनऊ में जाकर पदभार ग्रहण किया। बेसिक शिक्षा मंत्री के तौर पर मेरी मुख्य जिम्मेदारी नौनिहाल बच्चों के उज्जवल भविष्य का ध्यान रखा जाएगा। बेसिक शिक्षा की सभी समस्याओं को दूर करने में, जिसमें नियुक्ति से लेकर नई शिक्षा भर्ती तक शामिल है, मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सारी जो योजना है, शिक्षा के हर क्षेत्र में हर योजना को कोने कोने तक पहुँचाया जाए। ये कार्यभार ग्रहण करने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री का ट्वीट। रंजीत यादव ने लिखा है, दोस्तों नमस्कार, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत से हमारे अचयनित भाई मंत्री जी से लगातार मिल रहे हैं और मंत्री जी को 27-21 पूरा ना मिलने की बात कह रहे हैं। ठीक भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वे भी दौड़ेंगे ही और मंत्री जी 6800 लिस्ट न करने की सलाह भी देते हैं। ये लिखा है रंजीत यादव जी ने अपने पोस्ट पे। आगे इन्होंने लिखा कि इन्हीं सब बातों को लेकर मेरी बेसिक शिक्षा के अधिकारियों से बात हुई है और मैंने ये सारे मुद्दे रखे हैं जो अचयनित भाई मंत्री जी के सामने रखते थे। तो अधिकारियों ने बोला कि देखो, ये लिस्ट सीएम सर एसीएस सर की पहल पर आई है। सबसे बड़ी बात है कि इस लिस्ट में कैटेगरी से लेकर गुणांक को भी अंकित किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 67,867 की लिस्ट को फिर से चेक किया गया तो उसमें 6800 ही लोग क्यों निकले, कम या ज़्यादा भी हो सकते थे, चूँकि ये लिस्ट हमने नहीं NIC के नए सॉफ्टवेयर से बनाई गई है और ये तब हुआ है जब CM सर का आदेश था, तो इस बार गलती होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। दूसरी बात, ये मामला रिजर्वेशन से संबंध रखता है जिसका संज्ञान प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार ने भी लिए। आगे उन्होंने लिखा है कि इसलिए अधिकारी दोबारा गलती करें ये संभव नहीं है, क्योंकि यदि इस बार गलती हुई तो NIC के साथ बेसिक के कई अधिकारी पर गाज गिर जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला कि आपकी लिस्ट बिल्कुल सही है, बाकी जो अभ्यर्थी इस लिस्ट की शिकायत मंत्री जी से कर रहे हैं, क्या वो हमसे मिल सकते हैं? ऐसा अधिकारी ने बोला, यदि अभी लिस्ट गलत है तो आए हमसे बात करें। ये अधिकारी ने कहा है रंजीत यादव जी, जो कि NCERT पर मिलने गए थे। आगे उन्होंने लिखा, इसलिए ध्यान रहे कि ये जो लोग भी मंत्री जी से मिल रहे हैं और मंत्री जी से लिस्ट गलत निकली है ऐसा बता रहे हैं, वो अपनी आत्मा को शांति देने के लिए कर रहे हैं। आगे लिखा है कि जो लोग मीटिंग के बाद मंत्री जी से मिलेंगे उनकी भी जो गलतफहमियां है दूर हो जाएगी, इसलिए आप लोग अपने कार्य में लगे रहें कि किसी भी आचयनित भाई के बात से परेशान न हो। इसके बाद इन्होंने नीचे अपना विश्वास और समर्थन बनाए रखने के लिए लोगों का धन्यवाद दिया है, फिर अपना नाम लेकर ये जो लेटर जारी किया है अधिकारियों से मिलने के बाद। वहीं लखनऊ SCERT पर आज भी 6800 चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। बात करें 22,000 लेकर के, तो इस संगठन का अध्यक्ष सर्वसम्मति से शिखा जी को बनाया जा रहा है। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है, ये लीगल टीम 22,000 की ओर से कहा गया है। वहीं डिप्टी CM माननीय ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात हुई है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुद्दे पर क्या कुछ शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है, सारी बातों की चर्चा करने के लिए बेसिक शिक्षा से मंत्री से मिलकर के उनकी बात को पहुँचाने का बात डिप्टी CM ने कहा। उम्मीद यही है कि कल की मीटिंग में कई बड़े फैसले भी लेंगे, क्योंकि नए शिक्षा मंत्री कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। कल अधिकारियों के साथ अब उनकी बैठक है। ये 6800 लिस्ट को निकलवाने के लिए जो पोस्टल कार्ड का अभियान चला गया है उसमें सभी पोस्टल कार्ड निम्न पत्रों पर भेजे रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री और SCERT अधिकारियों को। वहीं विभागावार बनाए जाए 100 दिन की कार्ययोजना, अमल भी करवाएं मुख्यमंत्री का आदेश। मुख्यमंत्री ने कहा स्वास्थ्य शिक्षा और विकास को आगे बढ़ाएंगे। वहीं EWS अभ्यर्थियों को आरक्षण देने से हाईकोर्ट का
इनका कि एलटी ग्रेड हिंदी 134 को नहीं मिला नियुक्ति, अर्हता का विवाद दूर होने के बाद भी फाइल अटकी, आवेदन तिथि को लेकर के था विवाद। एडेड जूनियर हाई स्कूल में हुई थी अनियमित नियुक्तियां, 7 मंडल से मांगी गई सूचना, भ्रष्ट अफसरों पर गिरेगी गाज। 3 महीने में 10,863 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। ये था आज की अपडेट न्यूज, धन्यवाद, थैंक यू।